डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस में आज हम बना रहे हैं मेडिटेरियन चिकन जिसके साथ बनेगी मेडिटेरियन सॉस। अब हमारे पास चिकन ब्रेस्ट हैं, ये देखें, एक दो तीन और ये तीन या चार चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। इसको हम मैरिनेट करेंगे इटालिया का गार्लिक पेस्ट, वन टेबलस्पून या टू टीस्पून लेवल्ड, इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल टू टेबलस्पून, वूस्टरशायर सॉस वन टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश ट्रीट का येलो मस्टर्ड पेस्ट, वन टीस्पून। थाई चिली सॉस वन टेबलस्पून, फ्रेश ट्रीट की। पेपरिका हाफ टी स्पून, इटालिया का हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, इटालिया का ऑरिगैनो 1/8 टी स्पून, सॉल्ट क्वार्टर, क्रश्ड ब्लैक पेपर ले रही हूँ अभी, क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर इटालिया का 1/2 टी स्पून, और हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर चला गया, सॉल्ट रह गया और चिली पाउडर रह गया। चिली पाउडर जाएगा 1/2 टी स्पून और सॉल्ट जाएगा 1/4 टी स्पून। इसलिए सॉल्ट 1/4 जाएगा कि इन सारी सॉसेज में नमक है, चिकन पाउडर में नमक है, चिली पाउडर इज़ जस्ट 1/2 टी स्पून, सॉल्ट 1/4 टी स्पून। ठीक है, इसको हमें अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, 10 मिनट छोड़ेंगे। अच्छी तरह से मैरिनेट कर दीजिए और फिर हम इसको ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे। कोई तेल शेल कुछ नहीं डालना इसमें, 2 टेबलस्पून डाला हुआ पोमेस ऑलिव ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक एंड 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड अनियन। एक से दो टेबलस्पून प्याज, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ट्रांसपेरेंट, बस लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ स्लाइस्ड मशरूम, बेबी कॉर्न चॉप 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम हाफ आधी कैप्सिकम, शिमला मिर्च रखी हुई है जूलियन कटिंग में, और
बेबी कॉर्न चॉप्ड है, मशरूम, स्लाइस्ड, ठीक है, सब इटालिया का है, बेहतरीन। अनियन और गार्लिक, जैसे ही गार्लिक हल्का सा गोल्डनिश हो जाएगा मैं इसमें शामिल करूंगी स्लाइस्ड मशरूम्स, डाल दें आप 2 टेबलस्पून इटालिया के बेहतरीन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न चॉप, ठीक है, हाफ जूलियन ऑफ कैप्सिकम, विनेगर फ्रेश फीट का 2 टेबलस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, ठीक है, और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस, थाई चिली सॉस, ये फ्रेश फ्रीट का ये स्वीट एंड स्वीट चिली सॉस टेस्ट होता है, इट्स टू यम्मी। बस ये हमारी मेडिटेरियन सॉस रेडी, हमारी मेडिटेरियन सॉस बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ग्रिल पैन को रख दिया है हमने यहाँ पे, और मैं इसमें अपनी चिकन ब्रेस्ट को फ्राई करेंगे। अच्छा, जब तक चिकन ब्रेस्ट हो रहे हैं हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। ये मेरे पास आलू रखे हुए हैं मैश्ड पोटैटोस के साथ, इसको मुझे मेडिटेरियन चिकन को सर्व करना है, तो इसके लिए ये 2 आलू है मेरे पास, छिलका उतार के बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क, 1/4 salt and pepper, 1/4 teaspoon each, 1/2 teaspoon इसमें फ्रेश ट्रीट का मस्टर्ड भी डालेंगे, 1/2 teaspoon, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी, मैं ब्रेक में कर लेती हूँ, यहाँ पे पोटैटो मैशर रखा नहीं है मुझे, पोटैटो मैशर से इसको मैं मैश करेंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा फ्रिज से निकाल के 1 ounce butter भी डालूँगी, डोंट वेस्ट योर मैरिनेशन, पूरा आप इस पे लगा दीजिए। और आप इसको टर्न करेंगे,
चिकन ब्रेस्ट भी बहुत जल्दी गलता है, ये तैयार हो जाएगा विद इन 5 to 7 minutes. ठीक है, या अच्छी तरह जब फ्राई हो जाएगा तो हम अपने फ्लैटर में ये चिकन निकालेंगे. चिकन के बाद हम ये निकालेंगे उसकी वेजीज, और साथ में हम मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व करेंगे. मैश पोटैटोज़ नहीं पसंद है बहुत सारे, आई लव इट, नहीं पसंद है, आप फ्रेश चीज़ के फ्राइज़ ले लीजिए.